नमस्कार भाइयों और सत श्री अकाल, सलाम और हलो आप सभी लोगों को। इस वीडियो में मेरे तीन भाइयों से आपको मैं मिलवाऊंगा। भारत के तीन उम्दा नागरिक, कमाल के एक्टिविस्ट, और तीनों मेरे भाई। एक मेरा बहुत छोटा अनुज मोहित शर्मा, एक मेरे छोटे भाई और कमाल के एक्टिविस्ट धुरंधर एक्टिविस्ट जिन्होंने आजकल छाए हुए हैं सब जगह, विनय दुबे भाई, और मेरे पंकज प्रकाश श्रीवास्तव भाई। शायद मेरी उम्र के हैं, मेरे से छोटे हो, मेरे से बड़े हो, 19-20। इन तीन भाइयों से आज आपको मिलवाता हूं। ये तीनों भाइयों ने एक अच्छी कैंपेन लॉन्च करी है। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, तबलीगी जमात वाला, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के सभी लोगों को क्लीन चिट दी है और कहा है कि भारत सरकार और भारत की मीडिया ने इन लोगों को इलीगली और रॉन्गली हाउंड किया और ये सभी लोग इनोसेंट और अच्छे लोग हैं। वो वाली वीडियो जिस मैंने उसी दिन बनाई है जिस दिन बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी, और आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने तबलीगी जमात के सभी लोगों को माफी मांगी थी, भारत के सभी 136 करोड़ लोगों से। उस वीडियो को अगर आप मिस कर गए हैं देखना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के उसका लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। वापस आते हैं मेरे तीन भाइयों पे। मेरे तीन भाइयों ने इस वीडियो के माध्यम से एक कैंपेन अब चलाई है जिसको वो कहते हैं सॉरी तबलीगी जमात, हैशटैग सॉरी तबलीगी जमात, और उन्होंने भी इस वीडियो के माध्यम से आज सॉरी कहा है तबलीगी जमात के सभी लोगों को, मीडिया की खुल के निंदा करी है और भाजपा सरकार और मोदी जी की खुल के निंदा करी है। तो चलिए बिना समय नष्ट किए मैं लेके चलता हूं आपको अपने तीनों प्रिय भाइयों की तरफ और देखें उनको क्या कहना है। तो मैं विनय दुबे मुंबई से फिलहाल लाइव हूं, भारत की राजधानी दिल्ली से। आज अपने गृह जनपद जन्मस्थली मुंबई लौटते समय दिल्ली में रुकने का सौभाग्य मिला और मुझे ऐसा लगा जाते जाते अंडभक्तों की खोदते जाऊं। कैसे हो अंडभक्तों, गटर में हो कि गोबर में हो, जहां भी रहो भोसड़ी वालों बर्बाद ही रहो तुम, क्योंकि देश को तो बर्बाद कर ही दिया है। आज का जो वीडियो था खास तौर पे तबलीगी जमात के लोगों के लिए था। जिस तरह से देश भर में तबलीगी जमात को लेके इन भोसड़ी वालों ने बवाल उठाया था, खास तौर के देश का सबसे बड़ा भड़वा चैनल रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत नहीं, मेरे छोटे भाई मोहित जी कहते हैं थूकता है भारत, तो बिल्कुल उस चैनल की जो सबसे बड़ी दलाली है, भड़वागिरी है, उसको मैं नमन करता हूं। और ख़ास तौर पे ये वीडियो समर्पित है तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से, उनके साथ में उनके लिए आदर रखने वाले लोगों से, क्योंकि मैं एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्म आती है कि तबलीगी जमात के लोगों को बेवजह आरोपी बनाया गया कोरोना के मामले में। तो मैं उन तमाम तबलीगी जमात के लोगों से जो विदेशों से भारत आए और इस भारत के अंदर आके अपमानित हुए, उन तमाम तबलीगी जमात के लोगों से, उनमें आस्था रखने वाले लोगों से एक भारतीय होने के नाते मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उनको सॉरी कहना चाहता हूँ। और इसके लिए आप तमाम लोगों से कहता हूँ कि अगर आपके दिल में कोई भी इच्छा हो तो हैशटैग सॉरी तबलीगी जमात आप चला सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, हमें ट्रेंड नहीं करना है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमें ये जिम्मेदारी होती है, हमारे देश में आए हुए मेहमान के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया, उनको उठा के जेल में रखा गया, उनको बेइज्जत किया गया, एक अपराधी के तौर पर उन्हें देखा गया, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमने अपने आए हुए मेहमानों के साथ इस तरह का बर्ताव किया। आखिर वो गलत होते तो माननीय उच्च न्यायालय को इस तरह के निर्णय ना देने पड़ते कि वो बेगुनाह हैं और तबलीगी जमात जिनको भी जेलों में रखा गया है उसे तुरंत छोड़ा जाए, चाहे वो मुंबई हाईकोर्ट हो चाहे वो दिल्ली हो, लगभग सब जगहों से ये फैसले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये माना है कि वो बेचारे बेगुनाह हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की भांड मीडिया ने इसका, तबलीगी जमात का गलत उपयोग किया केवल अपनी नरेंद्र मोदी जी की गलतियों को छुपाने के लिए,
तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि उन बेचारों के साथ गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो एक क्षमा बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सॉरी बोलते हैं उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमने अपने मेहमानों के साथ बहुत ही दरिंदगी पूर्वक इन भोसड़ी वालों की वजह से उनको अपमानित होना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मैं क्षमा चाहता हूँ उन तबलीगी जमात वालों से। आज दिल्ली में हूँ, मेरे साथ मेरे दो बड़े भाई हैं, एक जाफराबाद के सबसे बड़े दंगाई हैं जिसने नरेंद्र मोदी जी की शहनाई बजाई है, आज वो मेरे छोटे भाई मोहित भाई हैं, अब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि #सॉरी तबलीगी जमात, जिस तरीके से भारत देश की नीति रही है वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भवः, इस नीति को जो अपमानित किया गया है नरेंद्र मोदी और उस सरकार के राज में, देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार हमारे देश के अंदर आए मेहमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है जो भारत देश की गरिमा को, भारत देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और भारत देश की। हाँ जी, तो मजा आया आपको मैंने भाई की बातें सुन के? मैंने भाई कमाल के एक्टिविस्ट हैं, आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम। जुझारू आदमी है, क्या डट के काम कर रहे हैं देश के लिए। आई एम सुपर प्राउड टू हैव हिम एज माई ब्रदर एंड अ फेलो एक्टिविस्ट। बस मेरी एक छोटी सी सजेशन है, राय है, विनय भाई को ना मेरा ये वीडियो देखें। विनय भाई यार थोड़ा सा ना, मुझे पता है, देखो वो कैरी मिनाटी हो जाए चाहे और अन्य लोग, ये जो अब्यूजर्स हैं इससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है इंडिया में, मैंने देखा है। चार गाली दो लोग खुश होते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हु करते हैं। मैंने भाई आई लव यू, तेंदुलकर साहब की एक फिलॉसफी होती थी सचिन तेंदुलकर की, लेट योर बैक डू द टॉकिंग। आप कमाल की टॉकिंग तो करते ही हो, कमाल का काम भी करते हो, टू बी प्राउड ऑफ। इतना जुझारू आदमी हो आप, कोरोना में जो हो पूरी दुनिया भारत भर घूम रहे हो, अपना काम में लगे हुए हो, कमाल है भाई। बस ये जो लफ्ज है ना, ये जो गाली वगैरह है, इसको छोड़ दे। मेरी वीडियो आपकी वीडियो फैमिली में बच्चे भी देखते हैं, लेडीज भी देखती हैं, क्योंकि वो देश की जो अच्छी बातें आप करते हैं वो सुनना चाहते हैं, प्रेरित होना चाहते हैं। उसमें ये जो आप जो लफ्ज यूज कर देते हैं ना, अंधभक्त भी चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो काउच होता है अंधभक्त में, चलेगा। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ जो आप गालियां देते हो ना भाई, हाँ, ब यूज करना, ब यूज करना, ये सब जो आप करते हो, द यूज करना, भाई इसको बंद कर दे, मेरा यही सुझाव है। मैं आपसे उम्र में शायद 2-4 साल बड़ा हूं, कुछ एक्टिविज्म आप कर रहे हैं, कुछ हम काफी साल से हम भी कर रहे हैं। अपने भाई, अपने फेलो एक्टिविस्ट, अपने वेलविशर होते, मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूं, कोशिश करें भाई थोड़ा सा। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छा तो नहीं है, के आर के का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। के आर के शुरू में अपनी वीडियो में गालियां देता था, बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन फिर उसने खुद रियलाइज किया और वीडियो में आके कहा अब नहीं गाली देता, एक गाली नहीं देता, कि उसकी वीडियोस को लेडीज देखा करती थी फैमिली टाइम में, 9 PM अर्णब गोस्वामी को कोई नहीं देखता, आज सोशल मीडिया में लोग देखते हैं, जो समझदार लोग हैं सोशल मीडिया, बच्चे देखते थे वीडियो, मूवी के रिव्यू, उसमें गालियां पड़ती थी तो अच्छा नहीं लगता था। उसने बंद कर दिया भाई, उसने बंद कर दिया, और आज भी माशाल्लाह पॉपुलैरिटी पूरी है उसकी। आपसे मेरा सुझाव है, गाली ना दें, गाली ना दें, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज ना करें, बाकी काम करें ना। काम दें तो धुरंधर ही है, और बात में भी आपकी वाणी धुरंधर है भाई। जो ऑलरेडी गिफ्टेड है सरस्वती माँ के कारण, जिसकी वाणी इतनी तगड़ी है कि एक्सटेम्पोर इतना बढ़िया वो बोलता है, उसको गाली का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं। गाली का प्रयोग तो कैरी मिनाटी और उस किस्म के बच्चे या डेलिक्वेंट लोग यूज करते हैं जिनको सरस्वती माँ की जिन कृपा नहीं है। आपके पास तो सरस्वती माँ की कृपा है, आप ऑलरेडी जो है एक्सटेम्पोर इतना बढ़िया बोलते हैं, तो आपको गाली का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है भाई, अच्छा नहीं लगता। मेरा सुझाव है, मैं दे रहा हूं भाई, कोशिश करे इस पे अमन करने का, हाँ, और बुरा नहीं मानना किसी भी तरीके से। आई ओनली हैव द बेस्ट इंटेंशंस एंड द बेस्ट विशेस एंड लव फॉर यू भाई, दिस कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। हाँ चलिए भाइयों, लेके चलता हूं अब मैं आपको। धन्यवाद पंकज भाई, इतने खूबसूरत खूबसूरत शब्दों में अंड भक्तों को खोने के लिए। अभी ये कुछ दिन पहले खुश हो रहे थे कि शाहीन बाग से कुछ लोग जुड़ के उनके पास चले आए, उनके उसमें ज्वाइंट हो गए, भाजपा में उन्होंने शामिल हो गया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब वो शाहीन बाग में थे तो गोली मारो सालों को कहा जाता था,
अब वो जब भाजपा में आ गए हैं तो माला पहनाओ जीजाओं को कहा जा रहा है, हद है। जी 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 देखिए ये भाजपा आरएसएस के द्वारा वहां कहते थे इनके कि गोली मारो सालों को, आज क्या उनको जीजा कहेंगे? जो कुछ महीने जिस बहनों को जिस अम्मा को वो लोग बेसिया कह रहे थे, आज क्या अपनी बहन कहोगे? अंडभक्तों शर्म करो, भाजपा के दलालों, अब क्या आपकी दीदी हो गई वो कल तक जिसको आप बेसिया कह रहे थे? 500 रुपए में, 500 रुपए में बिरयानी खाने? तुम्हें बिरयानी का इतना शौक है हराम खोरो, पाकिस्तान तक पहुंचते हो बिरयानी खाने साल ओढ़ने? शर्म करो, देश में नफरत की राजनीति बंद करो। देश आपका बिल्कुल विरोध करता है, आप जाति धर्म में उलझाकर देश के बेच रहे हो। ईस्ट इंडिया पार्ट टू की सरकार का विरोध करें, हम सभी भारतवासी का कर्तव्य है। इन ये इतने पहले जाएंगे अंधभक्त कि इनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। और जो भाई अंत में कहना चाहूंगा कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो भैया भगवान से विनती है, हम तो वैसे भी ब्राह्मण है, हमारी विनती है कि इन अंधभक्तों को मोदी जैसा जीजा दे, ताकि इन्हें पता चले कि इस देश के अंदर बहन बेटियों को जब छोड़ा जाता है सड़कों पर तो कैसे होता है और कैसे पता चलती है, तब इन लोगों को महसूस होगा। तो भैया जो लोग कह रहे हैं उनको मिलना चाहिए अंधभक्तों जैसा जीजा, तभी होगा इनके मुंह पे कड़ा तमाचा। तो मोहित भाई, इस देश को वाकई में अब मोदी जी ही बचा सकते हैं, और मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको बुरा लगेगा खासतौर पर देश के भारतीय नागरिकों को, कि मैं आज पहली बार मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ, वाकई में मोदी जी इस देश को बचा सकते हैं अपना इस्तीफा देके, तो तुरंत दिलवाएं और इस देश को बचाएं। #SorryTablighiJamaat के साथ मैं अपने बड़े भाइयों के बीच में था, फिलहाल मुंबई की यात्रा पर हूं, अगले कुछ घंटों में मुंबई के लिए निकल रहा हूं। आप तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, जहां भी ये पिछवाड़े कमल का फूल लिए लोग मिले, पेलते रहो तबीयत से। विनय दुबे अगले कुछ दिनों में खाली हो चुका है, अब तबीयत से तुम्हारी लेगा, जैसे मैं लेते आया हूं तेल लगा के। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ जी, तो देखा आपने मोहित भाई ने क्या कहा, कमाल का लड़का है, 20 साल की उम्र है, लॉ स्टूडेंट है, और आप देखते हैं कितना क्या जज्बा है, इज अमेजिंग। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे दूसरे भाई, मेरे तीसरे भाई पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी की तरफ। इनका तो मैं फैन हो गया हूं, इनकी कुछ मैंने वीडियोस वगैरह देखी, इनका मैं फैन हो गया हूं। इनकी जो जो वाणी है, हाँ, ये वाणी से घायल कर दे आदमी को, ये वाणी से गोली मार दे आदमी को। और इनकी सबसे बढ़िया मुझे वो लगता है कि गोरे अंग्रेज नहीं, ये काले अंग्रेज हैं बीजेपी वाले, और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट टू ये भाजपा सरकार है, ये अक्सर बोलते हैं, इस वीडियो में भी शायद बोले। तो चलिए पंकज भाई की तरफ ले चलता हूं, देखें क्या कह रहे हैं मेरे भाई। भाई और हम सब के मार्गदर्शक जो अंडभक्तों का तबीयत से लेते हैं और उनको अपना आशीर्वाद देते हैं, मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई श्री पंकज श्रीवास्तव जी। सबसे पहले मैं भारत के उन प्रबुद्ध नागरिकों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकारों ने और नजायज औलादों के भरवा दलों ने देश में अमन भाईचारा समाप्त करने के लिए 17% मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए देश में जिस तरीके से मुहिम छुपा रखा था, गधा तो गधा ही रहा, चाहे उस पर अरबों रुपए फूंक दिए गए, देश को बर्बाद कर दिया गया। इनको बताना होगा ये सावरकर की औलादों को, गोरे अंग्रेज की नजायज औलादों को, काले अंग्रेजों को, कि तबलीगी जमात के बहाने जिस तरीके से जब कोरोना का मामला 7 नवंबर को चाइना में पहली बार मालूम हुआ और 30 जनवरी को हिंदुस्तान में मालूम हुआ, तो क्यों भारत सरकार छुपाती रही? देश को गर्त में ढकेलने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया, जो सैकड़ों सालों से तबलीगी जमात का जमावड़ा निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बगल में लगता रहा, तारीपार गृह मंत्री की मंत्रालय, तमाम सीबीआई आईबी जैसी संस्थाएं, दिल्ली पुलिस के लोग, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर सारे जवाब दे थे। वो उन्होंने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए क्या कर रहा था नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जब बाहर के देशों से जो हमारे अतिथि आ रहे थे, जो भारत को अतिथि देवो भव के भारत के रूप में जाना जाता है, जो भारत
विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है। इस गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों ने भारत को छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया था, जिसको देश की जनता ने लात मार के भगाया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं तबलीगी जमात के लोगों को माफी मांगता हूं कि हमारे देश में गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों के द्वारा जिस तरीके से आपको प्रताड़ित किया गया, आपके ऊपर जुल्म ढाए गए, इसके लिए हम माफी के पात्र हैं। भाजपा, आरएसएस और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, दल्लों पत्रकारों को जो रात दिन सिर्फ यही दिखाते थे कि तबलीगी जमात कोरोना बम, इस पर जांच, आज इन भरवों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने विश्व में भारत की छवि खराब की है। और मुस्लिम देशों में जो हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं, उनके रोजी रोटी पर खतरा बढ़ रहा। आज ये एक बहुत बड़ा फैसला 57 देशों के, जो मुस्लिम देशों के संगठन थे, उन भारतीयों पर जो भारत की छवि को देखते हुए कार्रवाई करने का प्रयास किया, हम उन सब से कहना चाह रहे, ये सब भारतीय मीडिया, भाजपा, आरएसएस के द्वारा प्रायोजित, जिस तरीके से अब देखिए कि किस तरीके से नफरत की बात कर रही थी, करबला की लड़ाई मुसलमानों के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में नहीं थी, रामायण और महाभारत हिंदू मुसलमान के बीच नहीं थी, धर्म के शैतानों के बीच में थी। नरेंद्र मोदी जी काल ने भी राक्षस की तरह भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे, देश के सभी जाति, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों से इन निकम्मे निकारों लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने की जरूरत है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई एक होकर रहें, मजबूत अपने देश को करें। फिर इसी बात के साथ कहते हैं कि जब इनको कोरोना महामारी में इलाज मैक्सिम अस्पताल बनाने चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी चाहिए, तब ये अपने रिश्तेदार, अपने फूफा ट्रंप की गुलामी करने में लगे थे, ट्रंप की बाराती के स्वागत में लगे थे। और ट्रंप की गुलामी और व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में लगे थे। ट्रंप की गुलामी, 22 विधायकों की नीलामी ने पूरे देश का भट्टा बिठा दिया। प्रधानमंत्री जी अब मेहरबानी करके बता दीजिए, अब तो 32,000 के पार हो गया, क्या पेट बजाओ, शर्म करो मोदी जी, डूब मरो। आप मोर को खाना खिला रहे, आप इंसान को नहीं पूछ रहे, कम से कम शर्म तो किए होते। हमें शर्म आ रहा है कि आप जैसे निकम्मा, निखल्ला, निर्लज, बेशर्म प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का है। हमारा प्रधानमंत्री इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री है, जो घर को बर्बाद किया ही किया, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। शर्म आती है नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको भी थोड़ी सी शर्म आती होगी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते, कम से कम देश बच जाता प्रधानमंत्री जी। इतना निर्लज प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखी। धन्यवाद पंकज भाई, इतने खूबसूरत। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हैशटैग सॉरी तबलीगी जमात, जिस तरीके से भारत देश की नीति रही है वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भवा, इस नीति को जो अपमानित किया गया है नरेंद्र मोदी और उस सरकार के राज में, देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार हमारे देश के अंदर आए मेहमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, जो भारत देश की गरिमा को, भारत देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और भारत देश की आन बान शान को, भारत देश की संस्कृति को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। और मैं आपको बता दूं कि इतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना इस देश की मीडिया का स्तर गिर चुका है। वाह वाह, ये ऐसे लोग हैं जो भैया बात करते हैं अर्णब गोस्वामी जैसे लोग, आप देख लीजिए भैया, इनको तो शर्म आती है अपने आप को पत्रकार कहते हुए, इन्हें शर्म नहीं आती, इतनी गुलामी करते हैं, इतनी गुलामी करते हैं कि अगर मोदी जी कह देना एक बार कि ये गोबर नहीं, ये च्यवनप्राश है, तो ये अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, उसे च्यवनप्राश समझ के खा जाएंगे, एक मिनट ही लगाते इन मामलों में। पूरे देश के अंदर जो हमारे देश की स्थिति को जो इन्होंने शर्मसार कराए, तो सबसे पहले जिस तरीके से विनय भाई ने बोला कि हैशटैग सॉरी तबलीगी जमात, तो भाई हम लोग दिल से सॉरी बोलते हैं, हम लोग शर्मिंदा हैं इस बात के लिए कि एक विदेश से आया नागरिक जो हमारे देश के अंदर आता है अपने अमन चैन शांति भाईचारे की कामना करने के लिए, जमात में आता है और यहां आता है और इस तरीके से कैद हो जाता है कोर्ट के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से, तो बहुत हम शर्मसार हैं, हम दिल से शर्मिंदा हैं और हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हम इन अंडभक्तों से तो कहेंगे नहीं, जिनमें मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनमें इतनी चर्बी घुसी हुई है कि ये लोग कहते हैं कि भैया मैं नोट नहीं लूंगा क्योंकि नोट पे थूक लगाने से कोरोना फैल जाता है, इसलिए मैं नोट नहीं लूंगा।
इन जैसे महानुभावों का तो क्या कहना, तो भैया ये तो सॉरी बोलेंगे नहीं। लेकिन मोहित भाई, रोकना चाहूंगा मैं जी, आप उन्हें ऐसे नोट पे थूक लगाने वालों को भड़वे और भोसड़ी वाले कहते हैं जी। बाकी आप शुरू रहे, पेलते रहे के लिए, ये लातों के भूत हैं, इन्हें प्यार से कर रहे, तो सोच लीजिए आप उनके लिए किस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि अब देश के अंदर इन जैसे लोगों के लिए अगर कोई प्यार से शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, तो वो इनकी नजर में सबसे बड़ा पागल है, सबसे बड़ा चूतिया है, जो इनके लिए प्यार से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। भड़वा भड़वा विनय भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया ये हमारे देश की आन बान शान और स्वाभिमान और गौरव की बात है कि लोग हमारे देश के अंदर आते हैं घूमने फिरने के लिए, हमारे देश की चीजों को, हमारे देश की धरोहर को देखने के लिए। लेकिन ये तो लगातार हर एक चीज को नीलाम कर देते हैं। विनय भाई आपको भी पता होगी, और दिल्ली के अंदर हम तो जो मेन राजधानी में रहते हैं, तो आपको भी इस बात के लिए पता है कि कितने लोगों को यहाँ जमातियों के तौर पर परेशान किया गया था, उन्हें मारा पीटा गया था। बॉस कभी ये मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, कभी ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे। एज अ लॉ स्टूडेंट मेरी न्यायपालिका से अपील है, जिस तरीके से जमातियों को छोड़ा गया है बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। लेकिन एक मुकदमा इन अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकारों के खिलाफ जो लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहे, तबलीगी जमात से फैल रहा है कोरोना, आखिर कब उठाएगी इस पे एक्शन पुलिस? ये लगातार इस तरीके का ट्रेंड चला रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि लोगों के अंदर मतभेद होना कि वही वोटिंग को लेकर आगे पीछे हो तो वो चलता है, लेकिन अगर मनभेद हो जाए तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है। और इस मनभेद का नतीजा देश की राजधानी दिल्ली भुगत चुकी है। देश की राजधानी में अभी कुछ समय पहले दंगे हुए थे, और उस दंगे के जिम्मेदार भी इन भारतीय जनता पार्टी के, इन भारतीय जुमले पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ट्रेंड जारी है कि जो ज्यादा बड़े दंगे कराएगा, जो पब्लिक को ज्यादा गधा बनाएगा, वैसे गधे खुद हैं, पब्लिक को गधा बनाते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे लोग हैं। और अभी हम लोग एक ट्रेंड जारी कर रहे हैं देश के अंदर, मैं आपको बता दूं कि भैया मैं अभी एक मुहिम चलाने वाला हूं कि जितने भी इनके बीमार साथी थे इनको एक एक बोतल गौमूत्र भिजवा दूंगा। भैया गौमूत्र आप ही के दिखाइए पब्लिक के सामने, अगर आप पी लेंगे, इनको ये नहीं पता कि गौमूत्र अगर मार्केट में मेडिकल स्टोर बिकता है तो उसके अंदर क्या क्या केमिकल मिलाए जाते हैं। आप डायरेक्ट पी के दिखाइए गौमूत्र, है कीचड़ में लेट रहे हैं आप कभी। तो मेरी बस अंत में लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये तबलीगी जमात को लेकर एक विशेष समुदाय को, जाति को टारगेट किया है, जिस तरीके से बैंगलोर में हिंसा हुई, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और कहना चाहूंगा कि एक बार फिर लास्ट में #sorry तबलीगी जमात, हम शर्मिंदा हैं आप लोगों के लिए और हम दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हाँ जी भाई, तो पसंद आया आपको वीडियो? चलिए अच्छा है, तो आप सब लोग भी, मैं सपोर्ट करता हूं ये कैंपेन। जैसे मैंने कहा शुरू के वीडियो में कि जिस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को क्लीन चिट दी और जजमेंट आई होगी 21 अगस्त को, उसी दिन शाम को मैंने वीडियो बनाया था, लिंक में है नीचे, अपोलोजाइजिंग टू तबलीगी जमात पूरे भारत की तरफ से। मैं आप सभी लोगों को, भाइयों और मेरी बहनों, जो ये तीन मेरे भाई मुहिम चलाना चाहते हैं सॉरी तबलीगी जमात #, आप लोग भी इसको चलाएं, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये सही मुहिम है। जो सही हो हमें उसका साथ देना चाहिए, जो गलत हो उसका साथ नहीं देना चाहिए। देखिए लाइफ में बड़ी सिंपल फिलॉसफी रखिए, जो सत्य है वो बोलिए, चाहे जो इसको पसंद आए ना आए, जो सही लगे वो करिए, जो गलत हो उसको रोकिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। इतना अगर सिंपल आप रखेंगे ना लाइफ में फिलॉसफी, हाँ, और अगर आपको किसी से लेना नहीं है, देना नहीं है, किसी की से सीट नहीं चाहिए, टिकट नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, तो किसी की चाटने पुटने की जरूरत नहीं है, सिंपल लाइफ रहिए। मेरे से लोग कहते हैं आप टाइगर की तरह कैसे बोलते हैं, डर नहीं लगता? मैंने कहा भाई मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं टाइगर हूं, मुझे किसी का लेना देना नहीं है। मोदी जी भी जब ये डोनाल्ड ट्रंप हो जाए मोदी जी, हाँ, जब ये लोग भी जंगल में जाते हैं तो टाइगर ही वहां का राजा होता है, उसको नौकरी नहीं चाहिए होती है इनसे, या इनकी सीट या टिकट नहीं चाहिए होता, या राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए होती है, स्पोक्समैन नहीं बनना होता, इसीलिए वो अपना दाड़ते रहता है, घूमते रहता है। प्रधानमंत्री लोग आते हैं जाते हैं, कहता है आओ जाओ, मुझे ना परेशान करना, उस मेरे रास्ते में ना आना, वरना कब मुझे भूख लग जाए, कब हमला हो जाए, कह नहीं सकते। इसी को टाइगर कहते हैं, इसी को राजा कहते हैं, असली राजा वही होता है, इसको कोई लेना देना नहीं होता है, बस अपनी प्रजा का ध्यान रखें, क्योंकि वो राजा जो एक डेमोक्रेसी में है
उसको बस अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। प्रजा के लिए क्या अच्छा, प्रजा उसको नौकरी पे लगाती है, पाठशाला नौकरी देती है, उसको प्रजा के लिए करना चाहिए। यहाँ पे एक राजा बैठा हुआ है जो प्रजा ने 5 साल तो दिया ही, 5 साल और दे दिया है, 1 साल और में बेड़ा कर रख कर दिया है पूरे देश का, मोर को खाना खिला रहा है, मजदूरों को भूखा मार दिया। चलिए अब ये चीजें बाद में, आज का ये वीडियो मेरे 3 भाइयों का था, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर जोर से करिएगा भाइयों, चैनल पे आज भी नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय बहुत जल्दी। जय हिंद और जय भारत।